फिरोजाबाद में टोल टैक्स पर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप के नेतृत्व में व्यापार संगठन और श्रवण संगठन ने UP 83 नंबर की गाड़ियों को टोल फ्री करने की मांग को लेकर टोल पर जबरदस्त प्रदर्शन किया। इस मौके पर पुलिस बल भी भारी मात्रा में तैनात रहा। करीब 2 घंटे प्रदर्शन के बाद टोल के मैनेजर हेमंत ने व्यापार संगठन और भारतीय किसान यूनियन के लोगों की गाड़ियों को टोल मुक्त करने का आश्वासन दिया। फिरोजाबाद से संवाददाता अमित पारासर की रिपोर्ट। ये दुर्भाग्य फिरोजाबाद जनपद का, यहाँ पर 2 टोल टैक्स लग रहे हैं। इससे भारतीय किसान यूनियन, व्यापार मंडल और भारतीय सवर्ण संगठन ने तीनों ने संयुक्त मोर्चा बना के ये निर्णय लिया कि ये अन्याय फिरोजाबाद की जनता के साथ नहीं होने देंगे। UP 83 की समस्त गाड़ियों को 1 टोल तो निश्चित रूप से फ्री हम करवा के ही छोड़ेंगे, 2 टोल टैक्स लग रहे हैं। संवैधानिक तरीके से हम चाहते हैं और निवेदन के साथ संस्कारित तरीके से हम लोगों ने आंदोलन किया है। उग्रता हम दिखा नहीं रहे। आप लोगों से मीडिया के माध्यम से हम कह देना चाहते हैं, जैसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री की भी यही मंशा है कि निजी जो गाड़ियां हैं उन पर टोल न लगाए जाए। तमाम तरह के टैक्स लगा दिए जाते हैं, उसके बाद टैक्स लगते हैं, अनवरत लगते हैं, तो ये दुर्भाग्य का विषय है। इसलिए फिरोजाबाद की 83 नंबर की गाड़ियों को टोल मुक्त किया जाए। हमारे ठाकुर भानु प्रताप सिंह जो किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, माननीय श्री रविंद्र लाल तिवारी जो व्यापारी मंडल के नेता हैं और भारतीय सवर्ण संगठन का हमें प्रदेश अध्यक्ष कौशल किशोर उपाध्याय, तीनों ने संयुक्त प्रयास किया है और इस आंदोलन को धार दिया संस्कारित तरीके से। टोल यहाँ पे देखिए, जो किसान जो अध्यक्ष है किसान के, उनको तो पहले से अपन तो छोड़ रहे हैं, तो उनका जो है तो अपन वो गाड़ी तो छोड़ेंगे। किसान का रहा जो अपना जो शॉप की ये है ट्रेडर्स, उनके भी गाड़ियां जो है वो अपने को सूची देने वाले, बाकी 83 कोई भी गाड़ी को छोड़ नहीं सकते। जो उन्हें कहा है, जो हमें बोला है, वही हम छोड़ सकते, बाकी 83 किसी गाड़ी को भी छूट नहीं है यहाँ। इसमें समर संगठन की भी ये मांग रही है कि उनकी भी टोल फ्री किया जाए उनकी गाड़ियों का। नहीं, जो भी है उनकी अभी सूची ली है, ऊपर जो भी है हम भेजेंगे, और जो भी अभी हमने बात किया है आपके सामने ही बात किया टोल फ्री, जो भी है उनको सहयोग करेंगे, लेकिन सब 83 की किसी को गाड़ी को छूट यहाँ पे नहीं है। और भी व्यापार कोई जरूरत नहीं है, लेकिन ये टोला की बात नहीं, ये टोला की ही कह रहे हो। हम उत्तर प्रदेश के किसी भी टोल पे भारतीय किसान भालू टोल नहीं देगा। ये हमने संकल्प कर लिया है, ये हमने संकल्प कर लिया है, कहीं टोल नहीं देंगे। हमारे किसानों की जमीन उन्होंने टोले भाव में नहीं दी है, और फिर हम पे ही टोल लगता है ना। हम यमुना एक्सप्रेस वे पर टोल देते और ना हम आगरा लखनऊ एक्सप्रेस पर टोल देते। उत्तर प्रदेश को भुगत ले, तब दूसरे प्रदेशों को भुगतेंगे। पूरे भारत वर्ष में जहाँ जहाँ हमारा संगठन है, हम भारतीय किसान के, भारतीय किसान भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, टोल नहीं देंगे किसी भी कीमत पर, चाहे हमें कितना ही बड़ा महाभारत लड़ना पड़े। और हमें विश्वास है कि जब जब महाभारत होता है, तब जो लोग कमजोर माने जाते हैं उनकी जीत होती है, और जो चक्रवर्ती सम्राट होते हैं जैसे रावण थे, दुर्योधन थे, उनकी हार होती है। ये हमारा निर्णय है, या इस निर्णय में ये यहाँ के मैनेजर साहब उनके सरकार ने कहा कि बाबा ये जो गाड़ी जा रही है हमारी किसान की, तो हम लोग ये तो छोड़ रहे हैं पहले। दूसरी तरह हम जो तिवारी साहब को बोल रहे हैं कि हम हमें कार दी, तो ये कार का गलत इस्तेमाल हो सकता है। आप ये सूची दीजिए, जो सूची मेरे साइड को दे दूंगा।